नमस्कार, देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में दिखाते हैं आपको। लाहौर में इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस। घर में मौजूद समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घर में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी मौजूद। लाहौर में इमरान खान के घर पर पुलिस की छापेमारी। जमा पार्क जाने वाले सभी रास्ते किए गए बंद। इमरान खान धरना स्थल को भी गिरा दिया गया है। पाक पुलिस पर इमरान के समर्थकों ने पत्थरबाजी की। पाकिस्तान पुलिस की छापेमारी पर इमरान खान का बड़ा आरोप। ट्वीट कर नवाज शरीफ पर बोला हमला। लिखा लंदन योजना के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का काफिला हादसे का हुआ शिकार। काफिले में गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई। इमरान खान पेशी के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेशी। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर में धारा 144 लगाई। दूसरे शहरों से करीब 1000 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का किया उद्घाटन। इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का एक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। करीब 377 करोड़ की कीमत से बनी है पाइपलाइन। पीएम मोदी का 24 मार्च को वाराणसी दौरा। विश्व टीबी दिवस पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। टीबी मुक्त पंचायत का अभियान को भी लॉन्च करेंगे। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। रिपोर्ट में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। तुमकुर में रथ यात्रा के जरिए नड्डा का शक्ति प्रदर्शन। कुछ ही देर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में हुए शामिल। गांधीनगर में ही सिविल अस्पताल में मुफ्त भोजन अभियान की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। भारी संख्या में व्यापार मंडल के लोग रहे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामवेद में उर्दू अनुवाद का किया विमोचन। अनुवादक इकबाल दुरानी ने कहा वेद का उर्दू अनुवाद होने से औरंगजेब हार गया, मोदी जीत गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा कालभैरव का दर्शन और पूजन किया। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की पूजा की। राम मंदिर के पहले चरण का काम करीब 75% पूरा हो चुका है। अब मंदिर में सिर्फ 167 खंभे लगाने बाकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्गा भवन का किया उद्घाटन। भवन में रोजाना 3000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ का 19 मार्च को अयोध्या दौरा। श्री राम मंदिर समेत अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण। रामलला के दर्शन भी करेंगे। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान। सीएम गहलोत ने चुनावी साल में चला दांव। 3 नए डिवीजन बनाने की भी की गई घोषणा। बिहार सरकार का मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। रमजान में 1 घंटे पहले दफ्तर आने जाने की इजाजत दी गई। रमजान के महीने में हर वर्ष लागू रहेगा आदेश। जम्मू कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन। टेरर फंडिंग के मामले में अनंतनाग श्रीनगर कुलगाम में कई ठिकानों पर छापेमारी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। 5 लाख के नामी शूटर गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम के खिलाफ जल्द बुलडोजर एक्शन होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की तलाश तेज। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में छिपे होने की खबर है। शाइस्ता के 3 करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उमेश पाल शूटआउट कांड में पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अचानक छापेमारी की। माफिया डॉन अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस मामले में प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से फिर रिपोर्ट तलब की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में यात्रियों से भरी बस पलट गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हैं। जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
केरल के मल्लपुरम में दर्दनाक सड़क हादसा, प्याज ले जा रहा एक अनियंत्रित ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। बिहार के जहानाबाद में भीषण आग से हड़कंप, पाली बाजार की एक दुकान में लगी आग, हादसे में 1,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सराड़ गांव के सरपंच के घर में लगी आग, देखते ही देखते आग में जल करके पूरा घर राख हो गया, बाल बाल बचे परिवार के लोग। दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग से इलाके में हड़कंप, आग में जलकर फैक्ट्री का 80% हिस्सा धराशायी हो गया, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा, एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई, आग में जलकर लाखों रुपए का सामान राख हो गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आदमी ने स्टंट रील बनाने के चक्कर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ा दी कार, मामले में केस दर्ज, आरोपी पर लगाया गया जुर्माना। एमपी के अर्दा में फसल बेचकर घर लौट रहे किसान को चोरों ने बनाया निशाना, चोरों ने ट्रैक्टर से 2,00,000 रुपए पार कर दिए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी, छापेमारी में करोड़ों रुपए की कीमत का 16 किलो ड्रग्स बरामद, यूरोपीय देश में भेजी जा रही थी ड्रग्स। हरियाणा के हिसार में एक स्कूल की बस में अचानक आग लग गई, बस में मौजूद बच्चों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, एक ट्रक से टकराई तेज रफ्तार से आ रही कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। कांग्रेस के विरोध के बीच मुंबई में दरबार लगाने पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, कांग्रेस ने की मुंबई में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम रोकने की मांग। देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली से यूपी तक कुछ दिन गर्मी से रहेगी राहत। राजस्थान के उदयपुर में बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों और खेतों में बिछी बर्फ की चादर, ओले गिरने से खेत में खड़ी फसल को हो सकता है नुकसान। ईरान में चल रहे फायर फेस्टिवल के दौरान हिंसा, हंगामे की वजह से 11 लोगों की मौत, हजारों लोगों के घायल होने की खबर। मेक्सिको सिटी में एक संदिग्ध के फायरिंग की खबर है, इस गोलीबारी में 3 पुलिस वालों की मौत हो गई है, एक संदिग्ध को भी मार गिराया गया, 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हजारों लोगों ने विरोध किया है कोसोवो को मान्यता देने के विरोध में, सड़कों पर भड़क गए लोग, सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई, यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण का आरोप। काला सागर के ऊपर फिर अमेरिका का ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, कई घंटे तक उड़ने के बाद अमेरिका का यह ड्रोन क्राइमिया पहुंचा। कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें नदियों में तब्दील, सैकड़ों लोगों को अपने आशियाने छोड़ने के लिए होना पड़ा मजबूर। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई है, कई शहर डूब गए हैं, ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के पार। अमेरिका के एरिजोना में बाढ़ से तबाही, ज्यादातर बारिश की वजह से नदी उफान पर है, पानी के साथ आई मिट्टी में सड़कों पर कई गाड़ियां फंसी नजर आई। चीन, ईरान और रूस ने अरब सागर में किया संयुक्त युद्धाभ्यास, ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास से इसराइल और अमेरिका की बड़ी टेंशन। और मुंबई में हुए पहले वनडे में भारत की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हुई टीम इंडिया।